लगना था बड़ा टिकट। जहां तक मैं तो एक साल से दूर हो पाया, एक मेन वजह है मैं इंदुपुर का इंचार्ज था। मुझे कोई शौक नहीं था क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, जगह साहब बोल रहा था देखो भाई आप राज्य के साथ में बैठे हैं और बनी आप, मुझे मैं चाहता हूँ कि आप बने क्योंकि राज्य के साथ विदेश आ रहे थे और मुसलमान के दलित हैं तो आप उनके उसूलों को लेके और उसी मोहब्बत को आप आगे बढ़ाते थे, चलिए हमको खुशी होगी। ले जाना जो कंटेस्ट को ना जा रहा देखो साहब मेरे पास पैसा नहीं आए बात को पता नहीं लगा भाई चंद्र बाबू साहब है और दुनिया में वो पुराना हिस्सा उसमें माने नहीं गए नहीं गया था। तो अचानक मुझे पूरा स्टेट घूमना पड़ा। रिटायर जब हुआ अप्रैल 30 10 दिन के अंदर मैं गए मैं 10th 2000 ये बात लेके चले पूरा स्टेट। जब ये बात कर रहे थे 5th ईयर में चंद्रबाबू साहब पीडीपी से अलग हुए, मतलब पीडीपी बीजेपी से अलग हुई और जगन और मोड़ी एक है, जगन मोड़ी दोनों पीडीपी को शुरू किया था कोच के अंदर काम हुआ तो हम पे उस पर वो बोल डाला गया भाई ये बोलना है सब कुछ आकर जगन मोड़ी से अलग भाई राजशेखर जी का बेटा मुझे ये यकीन था अब इससे अलग यकीन है। मैं बताता हूं क्यों सबको बताता गया है जगन हिंदुपुर आखिरी बार टाइम पे क्या हुआ 24 दिन ये मिथुन रेड्डी इंचार्ज थे और उनके बाद मेजोरिटी मिथुन रेड्डी जब उधर इंचार्ज 24 दिन थे उधर हमारे गनी साहब हो गए अचानक मैदान से हट गए। लड़ने वाला एक कैंडिडेट होते एमएलए इंदुपुर के सडनली बोले कि 24 दिन भी नहीं है एमएल साहब आप जाओ वहां मुझे नेटिव पे का किसी मालूम है ना घर है वहां के लोग मुखालिफत लेकर ना लेकर कभी हार है तो लाला मिला है से अब विवाद रूप में नहीं आता इंदुपुर में लेके देखते चलिए आप तो कैंडिडेट लाए ना हमारे कितने साहब नाम से जा रही जिससे क्योंकि इकबाल साहब उसी से डर था उसी के सामने सर झुका रब लाला जी के साथ भी उनके सामने चंद बागे भी तो जाने लेके भरे माए ये हम हाथ जोड़ेंगे तो उसी के सामने सर झुकाएंगे सत्ता करेंगे तो उसी ये सर कहीं झुकेगा तो बंदा कैसा भी जा रहा था मुझे निकाले वहां साढ़े चार साहब मेरे तरह इलेक्शन हुए पूरे इलेक्शन में जीता ये बंदा जाकर जगन मोहन रेड्डी को बोला नहीं मेरे पास आएगा तो पूरा पार्टी जीते जा रही है वो है मैं भी बोला जगन साहब देखिए जो कैंडिडेट मुझे निकालकर आप रख रहे मैं भी कहा था मेरे पास पैसा नहीं है आप रखिए कोई बात मगर जो कैंडिडेट आप रख रहे वो चेक पॉइंट केसेस उनके उनके शोहर अब ये कैंडिडेट का नाम है दीपिका उनके शोहर का नाम है वेणु रेड्डी 6 चेक पॉइंट केसेस मैंने सीएम को लिख दिए 5 लाख 10 लाख ऐसे बंदे को अगर आप दिए तो आप सोच लीजिए मैं फिर भी जिद से ये बंदा उधर एक एमएलए बीजेपी एलान का बैंगलोर में एयरपोर्ट के पास विश्वनाथ जो इस मौजूदा गवर्नमेंट वैसा सीपी के गवर्नमेंट में टीटीडी बोर्ड का मेंबर है सेकंड टाइम 10 साल बीजेपी एमएलए और उसी के चेले हैं हिंदुपुर और शांतम्मा एमपी कैंडिडेट बीजेपी 2014 बेल्लारी में रह चुके हैं उनके बड़े भाई श्री रामलू काफी करीब रिश्ता है जगनमोहन के हिसाब से उनकी खुद की बहन अब एमपी कैंडिडेट इंदुपुर है अब ये लोग बीजेपी टीडीपी वगैरह ये वो अब बोल रहे ठीक है बेदरेड्डी रामचंद्र रेड्डी साहब ऐसा बनता है
उसका असली रुख मेरे सामने। आप एक पांच साल ये बंदा आकर आप देख रहे हो, एक भी बार ये कहीं एक बार आप देख, आप मुझे बताइए कि मोदी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ कभी एक बात कही है? बीजेपी दो दिन पहले बीजेपी के नाम इन्होंने अपने मुंह से लिया नेतृत्व, टीडीपी कौतु पेट्रोल रोपाल की तो 12% रिजर्वेशन, फिर सेकंड टाइम कर रहा बीजेपी बोलो, बीजेपी बोलो, हाँ बीजेपी का वोट पे नहीं मैं मुस्लिम राष्ट्र में काम करता हूं, बीजेपी का नाम तक भी नहीं लिया हूं, उल्टा ये जो मिथुन रेड्डी अभी कैंडिडेट है राजपेट में 10 साल से है, कब आपके पास आगे कुछ मुसलमानों के लिए कुछ किया है? किसी से पूछा करके ग्रांट से एक मस्जिद के लिए या समरसा के लिए दीवार बनाने के लिए कुछ किया, या किसी को जॉब दिया, या भाई आपको तो क्या शादी खाने की बात है? ठीक है, अब क्या पूरा रेती बाद उनके साथ आपने शराब का जो भी है, नहीं मैं शराब की मगर आंदोलन है बाहर से बोल रहे हैं शराब से कोई वास्तव नहीं है, माइंड उनके हाथ में चलो राजनीति हो, शराब में ये आलम है 20 रुपए की शराब 220 और पूरा कैश गवर्नमेंट डिपोज में प्राइवेट ऑपरेटर सबके बैठकर प्रेस वाले जब भी आए मैंने बोलो प्राइवेट ऑपरेटर कैश वसूली रॉयल्टी 50 रुपीज का 150 रुपए होगा माइंस में कैश सैड कैश, हम गुजार करें सीएम साहब से भाई अब करना कितने रुपये अपना डाल दे देना, उसका सैड में काफी टीवी कपड़े किया वो किया रिवर्स फिट नहीं, हालांकि कपड़े ये इस जमाने में हुए जगनमोहन रेड्डी साहब को पूरा कपड़ा क्या टंस टंस मेन सोर्स ऑफ इनकम। देखिए हम मुसलमानों को समझाना है पैसे से मजबूती पर, पैसे के मजबूती पर जो जीतना था वो भी एकदम आराम से आराम पैसा, लोगों की नाम चढ़ा भी नहीं हो बूम बूम स्पेशल ट्रेनर नामा जबरदस्त है, ये लिवर किडनी सब जगह लोग आदि हो गए करते हुए गुजारा कर रहे हैं, उनके बच्चे भी आदि हो गए जाते मैं सुनकर शर्म से मैंने सर झुका लिया और हम भी हुआ कंप्लीट भी हुआ, ये मेरा इंफॉर्मेशन है चंद्रबाबू साहब बीजेपी के साथ नहीं आया क्योंकि वो काफी कट्टर आखिरी रिश्ता 2018 में काफी लंबा चौड़ा जिसे आप सबको पता, उसके बाद वो नहीं जाना चाहे थे यहां के राजसीमा खुशूस और उनके साथ ही काम किया, मगर हुआ ये इसका फायदा उठाकर हालांकि 32 केसों में जयंसन ऑलरेडी है एक्यूज और सीधे ठीक जाते हैं कानून को एक बंदे को अरेस्ट करने अविनाश रेड्डी अरेस्ट नहीं होता एक मर्डर केस जो पुराणी से मारा गया सीबीआई टीम बहुत पड़ती ठीक है, इधर 2-3 साल पहले एक स्किल डेवलपमेंट केस 125 हालांकि स्किल ट्रेनिंग सेंटर मैकुट था वो जमाने में 14-15-18 से पहले एक बार माइनॉरिटी कमिश्नर माइनॉरिटी सेक्रेटरी स्पेशल ऑफिसर वक्त मैं इधर भी मेरा काम रहेगा इधर कड़वा दरगाह भी जब 7% नहीं करें मैं सस्पेंड किया हालांकि मैं दरगाह बोया हूं मैं मानता हूं दरगाह जाते हैं आने जाते हैं हमारे घर वाले नहीं जाते वो ठीक है भाई दरगाह जाना वो एक नहीं जाना वो अपना अकेला है और कोई भी वली अल्लाह नहीं होता अल्लाह का दोस्त होता है बस उस दोस्त को एहतराम करना मैं अच्छी अच्छी बात समझता हूं ठीक है वो अलग था मगर दरगाह का पैसा अल्लाह का वक्त का मालिक एक्ट में भी है वक्त अल्लाह का है इज द ओनर अल्लाह इज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी वक्त और इज द ट्रस्टी जो अमानत या
گئے اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف, اللہ کی طرف سے جو امانت دی گئی ہے. اگر یہ سب صحیح ہوتا تو آج مسلمان بجٹ کے لیے بھیک مانگنا نہیں پڑتا. پورے پورے ہندوستان میں میں بول رہا ہوں, ہم راج کرتے ہیں, نوابی رہتے ہیں, حالانکہ بلا جانا ہے میں نواب مگر غریبی ہے. یہ بتا رہے تھا صرف بٹن دبانا اور پانچ سال آپ نے یہ بے محل دے لیا. یہ اہم بات ہے, پانچ کا دس سال نہیں کہ بے بے محل. اگر بے کینسل ہوا, سینٹرل گورنمنٹ ہو, بی جے پی سرکار کا ہاتھ ہو, سب سے ہٹ ہے یہ بندہ کو پتا. اس لیے پانچ سال سے متھن ریڈی لوک سبھا میں انچارج تھے پارٹی کے, یہ وجے سارے صاحب میں نے ہم کو بنگلہ دیش پاکستان سے جو ہندو کرسچن پانچ سال کے ہمیں جب تک آپ سٹیزنشپ ملے گا ادھر آپ کو چھوٹ دے جا رہی چھوٹ دیے ہیں کرسچن کو اور دوسرے. حالانکہ احمدیات بنے گی اور ٹرانسجنڈر یہ ہزار آپ سنیے گوگل پہ ابھیرام چندر چوڑ یہ نام لکھ دیجیے اور سنیے ضرور. یہ ہمارے چیف جسٹس آف انڈیا چندر چوڑ صاحب کے بیٹے ہیں, یہ لائر ہیں اور زبردست سیکولر خیالات رکھتے ہیں. یہ صاف لفظوں میں بنے کہ سی اے اے کام نن سی اے بھی نہیں رہے گا. اگر ان آر سی کے بارے میں ادھر کے ہمارے بزرگوں میں بھی چکے سرٹیفکیٹ بتانا ہے اور یہ بتانا ہے کھلا بتانا ہے کھلا بتانا ہے, ورنہ یہاں سے باہر ڈیٹینشن سینٹروں میں بھیجا جائے گا. وہ این آر سی کو بارے میں کوئی فکر کی ضرورت نہیں کیونکہ بی جے پی خود اپنے مینیفیسٹو میں این آر سی دیکھ لیجیے. تو وہ این آر سی کا فکر چھوڑی, یہ سی اے اے جو ہے جس کو سپورٹ متھن ریڈی اور وجے سائی ریڈی اور وائی ایس آر سی پی جگن موہن ریڈی اپنے خود کو کیسوں سے بچا, یہ سی اے اے اگر کوئی بنگلہ دیشی ادھر ہے یا کوئی پاکستانی مسلمان ادھر ہے یا زیادہ تر آسام وغیرہ ادھر وہاں کے لوگ ہندو لوگ ہی ہندوؤں کا مفاد مخالفت کر رہے ہیں, بھائی ہمارے جاب جائیں. دیکھو بھائی کوئی نام لوگ آتا ہے تو ہندو مسلمان سب خلاف ہیں کیونکہ بھائی ہم کو چاہیے جاب, یہ آئی جاب دینے کے سو یہ مخالفت کر رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ بھی کورٹ میں پائے. مگر ٹرپل طلاق یونیفارم سول کوڈ کی بات اٹک سب کو ایک شادی کا ایک وراثت پراپرٹی جیسا جس کو دیں گے وہ شادیوں کے بارے میں ڈیورس کے بارے میں پراپرٹی کے رائٹس کے بارے میں یہ سول کوڈ کرمنل کوڈ جیسا کہ عرب میں ہاتھ کاٹتے ہیں ویسا نہیں ہے نا, کرمنل سب کے لیے آیا آئی پی سی سی آر پی سی سب کے لیے یہی ہے. مگر سول کوڈ یو ایس میں ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس وغیرہ اسٹیٹ میں ہے. امریکہ صاحب آرٹیکل 44 وہ بولے گا اگر سب کو سب کی رضامندی سے سب چاہتے ہیں کہ بھائی ایسا پراپرٹی رائٹس میرج ایک یہ میرج کیسا ہو سکتا ہے جیون کا الگ ہے سدن جگہ ایسے شادی کرنا کرتے کر اسلام کے طور طریقے الگ ہیں, مذہبی کے طور طریقے ہندو کے مذہبی طور طریقے ہیں, وہ تو جن جن کا سات جن کا بننا ہے. ہمارا امپورٹنٹ میرج قبول کیا قبول کیا نہیں جو اسلام ہے یہ ایک انداز. مگر ٹرپل طلاق نا حالانکہ اینٹی اسلامک ہے, پتا ہے انڈونیشیا جوڈن یہ سب جگہ یہ ایک ہی جھٹکے میں بلا 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 بولنا وہاں غیر قانونی ہوتا ہے. انڈونیشیا انڈونیشیا کے بعد زیادہ مسلم انڈونیشیا میں ہیں, اس کے بعد ہم ہیں. ایک ہی جھٹکے میں بولنا چلو یہاں چلتا ہے مگر
బీజేపీ మోడీ సహా ఏ బీజేపీ పార్టీ ఉన్నారు మరి ఉసో సపోర్ట్ కోకే అగైన్ విష్ణు రెడ్డి చేశారు వైఎస్ఆర్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ సబ్కే ఏ కానూన్ బన్నా చాయే 21st లా కమిషన్ క్యా బోలి భాయి ఏ ఇట్స్ నీదర్ డిజైరబుల్ నార్ రిక్వైర్డ్ భాయి ఏ మోడీ సాహా కూర సివిల్ కోడ్ లాగా కోశిష్ కోశిష్ क्योंकि यहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी यहां यूनिटी है मगर यू हैव डिफरेंट मजहब डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट ट्रेडिशंस मजहबें अलग सब अलग एक एक कानून में छूट दी गई है ट्राइबल्स को क्या मणिपुर वो एरिया में आर्टिकल 371 छूट ట్రైబల్స్ ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఆర్ ఆర్టికల్ 25 కానూన్ ఉస్మే లిఖా గయా హై కి హర్ యహాన్ కే దేశవాసీ కో ఉన్కే మజహబ్ కో మాన్నే కా ఔర్ ఉస్కో ఉస్కే హిసాబ్ సే చల్నే కా హక్ హై ఉస్కే ఖిలాఫ్ భీ హై బుహరా అగర్ ఆప్ దేఖే హమారే ముస్లమాన్ కే పహలే కానూన్ కర్నా పడతే హై మగర్ ఏక్ దిన్ పహలే వో లోగ్ రంజాన్ మనాతే హై ఔర్ ఉన్కా ప్రాపర్టీ జో లేతే హై వో హిందూ సిస్టమ్ కో సలహా ప్రాంత జనరల్ సలహా ఆజకల్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ జో భీ నో కానూన్ నో రిజిస్టర్ బారె లివింగ్ టుగెదర్ వో హై జ్యాదాతర్ ఉత్తరాఖండ్ మే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కా బిల్ లాకర్ భాయ్ దోనో లడ్కా లడ్కి కహీ ఐసా మిల్ జుల్ కర్ హై ఔర్ జీనా కర్ రహే భారత్ దూర్ కి తరహ శోహర్ బేగం బన్కర్ తో ఆప్కో రిజిస్టర్ కర్నా చాహియే ఇస్సే హువా క్యా ఉత్తరాఖండ్ సే अगर वो बिल सपोर्ट किया तो अगेन वाइस पर कौन तमाम बिल एंटी फार्मर बिल जो फार्मर के खिलाफ है एक साल उधर बैठे अगेन वाइस पर कौन शाहीन बाग में हमारे मुसलमान